कि हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करने वाले खिदमत गुजारों की कमी नहीं, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने मुझ गुनहगार का इंतखाब किया और कुछ काम ले रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है जिससे अल्लाह ने मुझको बख्शा है। और ये आज की ये तकरीब जो आज यहां मुनक्किद हो रही है, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 19 बरस पहले जब इंतखाबी सियासत में मैंने कदम रखा था, तो उस वक्त मैंने अवाम के सामने ये वादा किया था और ये कहा था कि मैं इंतखाबात में इख्तदार के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, बल्कि आज मैं इंतखाब में आया हूं तो मिल्लत इस्लामिया की सफों में जो इंतशार पैदा किया गया है झूठे प्रोपेगंडों के जरिए, उस इंतशार के खात्मे के लिए इंतखाबात में आया हूं। और अगर मैं आपसे वोटों की दरखास्त या भीख मांग रहा हूं तो अपने जात के लिए नहीं, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए। और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपने इंतखाब के बाद, मेरा मंशा व मकसद यह है कि मासूम बच्चों के हाथों में खलम थमा सकूं और उनके खानों पे बस्ते और किताबों का बोझ डाल सकूं। ये वादा था। और उसके बाद एक और वादा था कि उस वक्त तक अपनी कामयाबी का जश्न नहीं मनाऊंगा और फूल नहीं पहनूंगा जब तक के 100 यतीम गरीब लड़कियों की शादी नहीं करवा देता। तो आपके सामने है कि मैंने अपना वादा किया कि एक स्कूल बनाऊंगा और वो स्कूल बनाने का एक वादा आज से 14 बरस पहले नशेमन नगर में संग बुनियाद के जरिए आगाज हुआ और नशेमन नगर में स्कूल बनाया गया और वहां स्कूल के आगाज तामीर के आगाज के साथ साथ नशेमन नगर में जो हमने 14 बरस पहले जिस सफर का आगाज किया था, वादा तो एक स्कूल का था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 स्कूल है और 13,500 बच्चे ज़ेर तालीम है। नौनिहालों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने का एक ख्वाब जो था वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। नशेमन नगर का स्कूल, उसके बाद में जमाल कॉलोनी रियासत नगर का स्कूल, फिर उसके बाद में हाफिज बाबा नगर का स्कूल, उसके बाद में अंबर पेट का स्कूल, फिर उसके बाद में नरकी फूलबाग का स्कूल, और आपसे इसी मुकाम से बहुत करीब बल्लागुड़े में इमारत बन रही है जो तकमील के करीब है और वहां पर भी इस साल 400 बच्चों का दाखिला होगा, वो भी स्कूल। और फिर कल एक तलाबकट्टे में मशहूर स्कूल था साबिका में जिसका नाम डेजलिंग स्कूल था, उस स्कूल को भी मैंने खरीदा और वहां पर भी तालीम जारी है, करीब 400 बच्चे जैर तालीम है, लेकिन हम इस साल फिर 450 या 400 दाखिले करेंगे और वहां पर भी करीब 1,000 बच्चे पढ़ेंगे। और फिर आज यहाँ पर संग बुनियाद एक साल में ये इमारत तकमील होगी और फिर कल इंशाअल्लाह मोगलपुरे में पुराना मदरसे फुरकान नाम से था एक मदरसा मोगलपुरे में, उस मदरसे को खत्म करके शादी खाना मशहूर इशरत महल के नाम से था उसको भी मैंने खरीदा है, वहां पर भी एक स्कूल आएगा, एक आलीशान इमारत इंशाल्लाह सदर मजलिस के हाथों कल वहां पर भी संग बुनियाद होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज अगर लोग पूछते हैं और सवाल करते हैं कि चंद्रायन गुट्टे से अकबरुद्दीन ओवैसी को कामयाबी दी तो आवाम को क्या मिला, मैं बताना ये चाहता हूं कि इस कामयाबी के बाद गरीब मासूम मुसलमानों को, नौनिहालों को जो इल्म से कोसों दूर थे,
जो गंदगी में, धूल में, गर्द गुबार में, मिट्टी में, बहती हुई नालियों में खेलते हुए अपना वक्त जाया करते थे, वो मासूम जो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था कि स्कूल को जाऊंगा, किताब हाथ में पकड़ूंगा, ए बी सी डी या अली बेते से पढ़ूंगा, उस ऐसे लोगों को जो इल्म से दूर थे उनको हमने इल्म के करीब लाया, अपने स्कूलों में, मदरसे में उनको तालीम के जेवर से आरास्ता किया और उनके जिंदगियों में एक नए उजालों को लाने की कोशिश की। ये काम मदरसे इत्तेहाद मुस्लिमीन ने किया और हमारे स्कूल में सबसे पहले अगर किसी का हक है तो यतीम बच्चों का हक है। बगैर किसी दरखास्त के हमारे पास उसूल है कि एक घर से एक बच्चा, लेकिन यतीम है तो एक घर से अगर 10 यतीम बच्चे भी आते हैं तो हम पूछते नहीं है, सबसे पहले उनको दाखिल करा देते हैं। यहां पर भी वही सिलसिला होगा। दूसरा हक है तो दूसरा हक उन खवातीन का है जिनके शोहरों ने उनको छोड़ दिया है, मुतालका है, तलाक हुई हो, या बहुत से ऐसी खवातीन है कि 5-5 दर्जन बरस से शोहर का आकान है ना पता है, शोहर छोड़ दिया है और उस मासूम बहन के गोद में हाथ में 2-2 बच्चे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। वैसी बहनों के बच्चों के लिए भी एक घर से 10 बच्चे होंगे तो हम उनको दाखिला देंगे, दूसरा उनका हक है। तीसरा हक माजूर वालिदैन के अगर कोई बच्चे हैं, अगर वालिद माजूर है, हादसे में का शिकार होकर हाथ या पैर से माजूर हो गए या बीमारी का शिकार है, घर में बैठे कुछ नहीं कर सकते, तो वैसे वालिदैन का अगर कोई बच्चा है तो उसको भी ड्रॉ में नहीं दिया जाता। उसके बाद जितनी दरखास्तें आती हैं उनको हम ड्रॉ के जरिए उठाते हैं और निशिस्तें दे देते हैं, जिसके किस्मत, जिसके नसीब में जिसका नाम उठा उसको दाखिला मिल गया। ये काम आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर रही है और मैं ये कहूंगा कि हलका असेंबली चंद्रायन गुट्टे को ये एजाज है कि यहां की आवाम ने जिस नुमाइंदे को मुंतखब किया वो नुमाइंदा आज इल्म के मैदान में इतना गैर मामूली काम कर रहा है कि जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। न सिर्फ ये बल्कि नशेमन नगर, रियासत नगर, हाफिज बाबा नगर, नरकी फूलबाग और फिर अंबरपेट, ये सारे मदरसों में हम वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं, जहां पर मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन का कोर्स, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, अडल्ट एजुकेशन, जहां पे जो बच्चे तालीम छोड़ देते हैं, खवातीन को मजबूरी के आलम में तालीम छोड़ना पड़ता है, उनके लिए तालीम बालिगा का भी प्रोग्राम है। और मैं आपको ये बताऊं कि साल गुज़श्ता एक 40 साल की हमारी बहन ने 10th का इम्तिहान लिखकर हमारे मदरसे से कामयाबी हासिल की। वो जो तालीम छोड़ दिए हम उनको दोबारा लाते हैं और अब तक 14 बरस में 35,000 खवातीन को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग दी है। आप बताइए क्या ये एक गैर मामूली काम या कारनामा नहीं है? आज इतना बड़ा काम और फिर इल्म की दौलत से मालाबार करना, यह है कि इसलिए कि मैं अपनी जितनी भी जिंदगी है, जितना भी टूटा फूटा तजुर्बा है, मैं समझता हूं कि दुनिया की हर नाकामी को कामयाबी में अगर तब्दील करना है तो वही तब्दील कर सकता है जिसके पास इल्म है। जिंदगी के अंधेरों को नए उजाले में बदल सकता है तो वही जिसके पास इल्म है। जिंदगी की नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर सकता है तो वही शख्स जिसके पास इल्म है। तो इल्म एक ऐसी ताकत है कि मैं समझता हूं कि जिसके पास इल्म नहीं वो सबसे गरीब है, इसलिए क्योंकि इंसान के पास दौलत के कई किस्म होती है। दौलत जमीन की शक्ल में होती है, दौलत सोने की शक्ल में होती है, दौलत हीरे मोती की शक्ल में होती है, दौलत रुपये की
शक्ल में होती है, लेकिन जमीन की कीमत शक्ल में होती है। एक इंसान अगर दौलत को बांटेगा या अगर दौलत को देता रहेगा तो रुपया खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, हीरे मोती खत्म हो जाएंगे, लेकिन दुनिया की एक वाहिद दौलत इल्म है जो जितना भी दो खत्म नहीं होती है, जितनी देते हैं उतनी और बढ़ती जा ये है। और आज हमारी कौम दुनिया में सबसे पिछड़ी हुई पीछे है तो इसलिए है कि हमारे पास इल्म की दौलत नहीं। और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आने वाले नस्ल के पास दुनिया की दौलत हो या न हो, जमीन की दौलत हो या न हो, उसके पास पैसे की दौलत हो या न हो, इल्म की दौलत होनी चाहिए। यह हमारा मकसद है और इस मकसद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज 13,500 बच्चे जैर तालीम है सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के चलाए जाने वाले स्कूल में। मैं पूछना चाहता हूं, दौलतमंद तो बहुत है, कितने ऐसे दौलतमंद है जो एक खैर का काम कर रहे हैं? आप घर में, खानदान में अगर कोई गरीब बच्चा है जो तालीम हासिल नहीं कर रहा है तो कोई स्कूल में उसको दाखिला दिलवाकर उसकी फीस देने वाले नहीं है। हाँ है, बेशक दुनिया में बहुत से लोग वैसे भी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने खानदान में मौजूद किसी गरीब की मदद नहीं करते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 13,500 बच्चे बगैर किसी फीस के, बगैर किसी पैसे के तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। तो आप बताइए ये काम क्या एक गैर मामूली काम है या नहीं, आप तो गौर करिए। और फिर आज बल्लागुड़े में जो इमारत है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद में कोई भी तालीमी दर्जगाह की इमारत इतनी बुलंद नहीं है जितनी इमारत हमारी है। 11 मंजिला की इमारत है, वहां पे 1,80,000 स्क्वायर फीट की इमारत तामीर हुई। नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक तालीम का इंतजाम है। इस साल स्कूल का आगाज हो रहा है, कोशिश कर रहा हूं कि इसी साल जूनियर कॉलेज, वो डिग्री कॉलेज का भी आगाज हो जाए। अगर हो जाएगा तो सुबह में लड़कियों का शिफ्ट होगा 8 बजे से लेकर 12:30 तक, 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद से शाम के 5 बजे तक लड़कों का शिफ्ट होगा। लड़कों का जूनियर कॉलेज, सुबह में लड़कियों का डिग्री कॉलेज, शाम में दोपहर में लड़कों का डिग्री कॉलेज। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है वहां पे। हम वहां पे ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि करीब 3,000 पुराने शहर की खवातीन को रोजगार से जोड़े। बड़े बड़े कंपनियों से हमने टाई अप किया है, शर्ट बनाएंगे, पैंट बनाएंगे, कुर्ते पैजामे बनाएंगे, हम बेहतरीन से बेहतरीन ड्रेसेस बनाएंगे और एक लड़की को महीने भर की ट्रेनिंग देंगे जदीद मशीनों के साथ। ट्रेनिंग के बाद ऑर्डर लेकर जब वो औरत काम करेगी तो एक एक खवातीन को 5,000, 10,000, 15,000 महाना उनको तनखा देकर हम वो मलबूसात जो बनाएंगे उसको बाजार में कंपनियों को बेचेंगे। ये हमारे मंसूबे, ये काम है। हमने एक नई सिमट दी है अवामी नुमाइंदे को। नहीं तो मशहूर और यही था कि जब भी जाओ यहां लाइट नहीं आ रही, अकबर साहब लाइट लगा दो, ये रोड खराब है भाई जरा रोड बना दो, ये मोहरी भर रही है जरा मोहरी बना दो, पानी नहीं आ रहा जरा पानी का इंतजाम करवा दो। हाँ बेशक लाइट, मोहरी, पानी, ड्रेनेज, रोड बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी काम जरूरी है कि हमारे बच्चे मासूम गलियों में गर्द गुबार में रहे, हमारी बहन किसी के सामने हाथ ना फैलाए। अगर बुरा वक्त आए तो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी का मुकाबला कर सके। ये काबिलियत देना ये अवामी नुमाइंदे का काम है और ये काम मजलिस कर रही है, हम कर रहे हैं। और लोग तनकीद करने वाले जरूर तनकीद करें, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाएं, हमको परवाह नहीं है उनकी, ना पहले थी ना आज है ना कल को रहेगी।
उनका काम तनकीद करना है, हमारा काम काम करते जाना है और हम काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ेंगे। आज महिला इत्तेहाद उल मुस्लिमीन तालीम के मैदान में ये काम कर रही है, तो सेहत के मैदान में ओवैसी हॉस्पिटल आज 7 मंजिला दवाखाना मुकम्मल हो गया, पूरा मुकम्मल, जदीद आलात के साथ नए ऑपरेशन थिएटर बनाए गए 20 करोड़ के लागत से, अनखरीब उसका भी इफ्तिताह हो रहा। ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में कैंसर रिसर्च सेंटर का आगाज होगा इंशाल्लाह 6 महीने में। 6 महीने में मैं कहूंगा कि हैदराबाद का सबसे जदीद आलात के साथ सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन कैंसर का सेंटर का आगाज होने जा रहा है ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में। 100 करोड़ की लागत से असरा हॉस्पिटल आज से 6-7 बरस पहले क्या था, एक 50 बिस्तर का दवाखाना था, लेकिन आज 2000 बिस्तर का दवाखाने में तब्दील हो गया। और कितने लोग इस पे फायदा उठाते हैं, बहाना, करीब 1 लाख लोग आते हैं हमारे दवाखानों में और शरीक जो होते हैं रोजाना 150 लोग सिर्फ असरा में शरीक होते हैं, 100 लोग ओवैसी में होते हैं, 150 लोग असरा से रोजाना डिस्चार्ज होते हैं, तो 70 लोग रोजाना ओवैसी से डिस्चार्ज होते हैं। तो अंदाजा लगाइए आप, क्या कोई है जो इतना काम कर रहा है? आज इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हमारा काम सामने है। अरे आओ हमारे काम से मुकाबला करो। अकबर ओवैसी ने 9 स्कूल बनाए हैं, तुम एक स्कूल बना के बता दो, हम जब मानेंगे कि तुम काम करने वाले। इससे पहले भी तो एमएलए थे इस हल्के में, 25 वर्ष तक थे, क्या एक टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट बना? क्या एक कोई बच्चों के तालीम का इंतजाम हुआ? और 19 वर्ष से अकबर ओवैसी है तो इस हल्के में 9 स्कूल बना दिया। मेरे हल्के में तालाब कट्टा नहीं है, मेरे हल्के में अब मुगलपुरा नहीं है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी इस बात को नहीं भूल सकता कि जब पहला इंतखाब लड़ा तो उस वक्त मुगलपुरा भी चंद्रायन गुट्टे में था, तालाब कट्टा भी था, सैयद अली चबूतरा भी था, अलियाबाद भी था, ये पूरे हलके थे। आज नहीं है तो क्या इसका मतलब कि मेरे हलके में नहीं है? अरे आज नहीं है लेकिन फिर भी मुगलपुरे में हमारा मदरसा है, हलके में नहीं है लेकिन फिर भी आखुदपुरे में 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह अब 9 स्कूल बन चुके हैं, 9 स्कूल। और आज यहां सलाला में भी यहां पे आज जो संग बुनियाद रखा गया है, मैं यही बात कहूंगा कि जहां कहीं पर भी मैं दौरा करता हूं, और जब पहले दौरा करता तो देखता था कि हम पीछे हैं, हमारे आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में मजलिस का परचम है तो एक के हाथ में पतंग का निशान है, तो फिर दूसरे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मजलिस के लीडर उन बच्चों में चॉकलेट तकसीम कर देते हैं, वो चॉकलेट ले लेते हैं और नारे लगाते हैं। मैं कहूंगा कि वो नजारा मुझे बहुत नापसंद है। मैं ताकीद करता हूं कि मेरे किसी भी दौरे में कोई भी मासूम बच्चे के हाथ में मजलिस का परचम या मजलिस का निशान नहीं रहना, इसलिए कि मैं आज इस हलके में आया हूं उम्मीदवार बनकर, तो बच्चों के हाथों में मजलिस का परचम या मजलिस का झंडा या निशान नहीं, बल्कि उन हाथों में कलम और हाथों में किताब थमाने आया। और यहां पर भी मेरी ख्वाहिश है कि सलाला के इस इलाके में, बारकस के इस इलाके में कई मासूम बच्चे हैं। आज वो गरीब बच्चे जो इल्म से दूर है, तालीम से दूर है, उनको मौका मिले, वो आकर तालीम हासिल करें। लोगों ने तो बहुत कोशिशें की और आज भी कोशिश करते हैं कि अकबर ओवैसी को बारकस, सलाला और अरब बरादरी से दूर कर दें। मैं उनसे कहूंगा तुम्हारी कोशिश नाकाम होगी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अकबरुद्दीन ओवैसी का दिल धड़कता है तो अरबों की मोहब्बत की वजह से, उनकी मोहब्बत के लिए, और ये मोहब्बत कायम रहेगी। अगर चंद शरपसंद लोग हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं
तो अकबर ओवैसी उनकी साजिशों का शिकार नहीं होगा और इस रिश्ते में कभी कोई दरार आने नहीं देगा। अगर मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि जब खून में था, गोलियों में था, जिस्म फटा हुआ था, तो अपने बाजुओं पे उठाकर दवाखाने तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, अरब भाई था, ये बनाना थे, ये थे शादी खानदान वाले और हवलगीर वाले, ये सारे लोग थे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे भूल जाएगा इनके एहसान को? अगर जर्रा भी कोई उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उस एहसान पर इतनी दुनिया तक कभी नहीं भूलेगा। अरे एक तो एहसान था ही था कि इस गुनहगार पर अपने एतमाद का इजहार करके मुझे एमएलए बनाने का, वो एहसान इतना बड़ा था कि कितना भी कुछ भी करो तो कम था। लेकिन फिर इस हैदराबाद के मुसलमानों ने और एक एहसान तले मुझे दबा दिया। मौत के दरवाजे पर था तो यही आप सबकी दुआएं थी कि दुआओं का नतीजा कि मौत के दरवाजे से निकलकर आज आपके दरमियान में आकर खड़ा हूं। ये बहुत बड़ा एहसान है, ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, ये एहसान मेरी औलाद पर है, ये एहसान मेरे भाई पर है, ये एहसान मेरी बूढ़ी माँ पर है, ये एहसान मेरी बीवी पर है, मेरी छोटी बच्ची पर है। अगर आप सबकी दुआएं नहीं होती तो शायद ये बच्चा यतीम हो गया होता, मेरी बेटी यतीम हो गई होती, मेरे भाई के खाने पर मेरी मैयत का बोझ आ गया होता और मेरी माँ के सामने मेरी मैयत का गम रहता। ये एहसान है और इस एहसान का बदला मैं समझूंगा कि मैं और ये मेरी औलाद अगर अपने जिस्म की चमड़ी भी निकाल कर उसकी जूतियां बनाकर आपके खंभों की नजर कर दे तब भी आपके दुआओं के एहसान का बदला वहां मकबरुद्दीन ओवैसी उसकी औलाद अदा नहीं कर सकती। ये एक एहसान है जिसको हम कभी नहीं भुलाएंगे। ये एहसान है, दुनिया में इंसान दौलत कमाएगा, इज्जत कमाएगा, शोहरत कमाएगा, लेकिन आखिर में तो इस दुनिया से जाना है ना। जब जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? क्या ये दौलत दुनिया में जो कमाई गई है वो ले जाएगा? क्या शोहरत बख्शिश का सबब बनेगी? क्या दौलत बख्शिश का सबब बनेगी? नहीं मेरे भाई, इंसान के साथ मरने के बाद कुछ भी नहीं जाता, अगर कुछ जाता है तो उसका नेक अमल जाता। और आज ये गुनहगार यही कोशिश कर रहा है कि मरने के बाद अल्लाह मेरे इस काम को कबूल करते हुए मेरी आखिरत को, मेरा खात्मा खैर पर करे और आखिरी वक्त मुझे कलमा नसीब फरमाए और कलमा नसीब फरमाए और सब्र के अजाब से मुझे महफूज रखे, यही दुआ है। लेकिन यहां खड़े होकर कह रहा हूं, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है जब अल्लाह मेरे काम को कबूल करेगा और मेरे काम का अजर मुझे देगा तो मैं अल्लाह से पुकार कर कहूंगा, ए पाक परवरदिगार, तू मेरे इस काम को कबूल कर मुझे जो अजर दे रहा है, मुझे जहन्नुम की आग से नजात दे रहा है, ऐ परवरदिगार, इस अजर का हकदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऐ अल्लाह इस अजर के हकदार चंद्रायन गुट्टे का हर मुसलमान है, हर घर है, ऐ अल्लाह तू मेरे साथ, मेरी औलाद के साथ इस नेकी के अजर को मेरे हलके की आवाम में सब में बराबर बांट दे, बराबर बांट दे। मैं आज भी दुआ करता हूँ, अगर है अल्लाह तुझे ये काम पसंद आ रहा है, तू इसको कबूल कर रहा है, तो इसका अजर तुम मुझे और मेरी औलाद के साथ साथ मेरे हलफे की आवाम को दे दे। अगर इनका एतमाद, इनका भरोसा नहीं होता तो शायद मैं आज रुकने संबंधी नहीं बनता। और यह बात जरूर कहूंगा कि लोग कहते हैं कि जाति सरफे से, हाँ बेशक ये मेरा जाति सरफा है, लेकिन इस जाति दौलत, ये जात की शोहरत, इस जात की ताकत, इस जात का इख्तियार कैसे आया? जात की दौलत है जरूर, लेकिन इस जात को इज्जत, शोहरत, दौलत व इख्तियार मिली
تو میرے مرحوم باپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے اور جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا طفیل ہے اور غریب مسلمانوں کا اعتماد و بھروسہ وہ دعائیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ذاتی سرپا تو یہ ذاتی سرپا کیسا ہوا؟ اگر مجلس مجھے ایم ایل اے نہیں بناتی تو نہ آج عزت ہوتی نہ شہرت ہوتی نہ دولت ہوتی. اگر یہ عوام بھروسہ نہ کرتی تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور کہوں گا میں عزت کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں دولت کے لیے نہیں میں صرف آیا ہوں عوامی زندگی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آخرت کا سودا ہے. یہ آخرت کا سودا. اگر مجھ میں دیانت داری نہیں ہوتی میں جھوٹا ہوتا بےمان ہوتا اگر دھوکے باز ہوتا تو نہ الیکشن میں جیتتا نہ دو دو تین تین گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہتا. ارے اللہ راضی تو دنیا راضی. دنیا ختم کرنا چاہ رہی تھی بعض لوگ دنیا میں لیکن اللہ راضی نہیں تھا. تو اللہ جب تک راضی ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو ہلا نہیں سکتی. میرا ہر اقدام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. آخرت کا سودا سمجھ کے کرتا ہوں. اور یہ وسیع دل اتنا وسیع ہے کہ بہت سی ناانصافیوں کو بھی نظر انداز کرتا اور آگے بڑھ جاتا. میرے معاملے صرف میرے نہیں میرے اوپر ہونے والے ایک ایک ظلم کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اللہ جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہے. دنیا انصاف دے نہ دے مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا ایمان ہے کہ مجھے انصاف اللہ دے گا. اللہ انصاف دے گا اور ضرور اللہ انصاف دے گا. اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے ان بھٹکے ہوئے بھائیوں کے دلوں میں محبت ڈال دے. اللہ ان کے دلوں سے نفرت کو ختم کر دے محبت کو ڈال دے. جو دور ہے ان کو قریب لا دے. جو ناراض ہے ان کی ناراضگی کو دور کر دے. مجلس اتحاد المسلمین ہمارا آپ کا ایک مرکز ہے اور آج سارے ہندوستان کی نظریں اگر کہیں پر ٹکی ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت پر ہے. کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے؟ لوگ بولتے تھے کہ ایک ایم پی کیا کرے گا ایک ایم پی سے کیا ہوگا. لوگ بہت باتیں بولتے تھے. بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول دو کیا یہ ایک ایم پی طلاق ثلاثہ کے معاملے میں تنہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا تمہاری عزت کی عبادت نہیں کرا کیا تمہارے غرور پر کامیابی سے نہیں اترا؟ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو. 500 کی تعداد میں فرد واحد کھڑا ہوا اور بے باکی سے بول رہا ہے. غور کرو مجلس بے باکی کا نام ہے جوان مردی کا نام ہے حق گوئی کا نام ہے حق پرستی کا نام ہے چور دھوکہ بےمانی کا نام مجلس نہیں ہے. اگر یہ تنہا کھڑا تو کس کے لیے کھڑا تھا ایوان پارلیمنٹ میں؟ ہماری شریعت کی عبادت کی شریعت محمدی کے لیے مسلمان کے لیے اسلام کے لیے آپ کے لیے. کوئی ساتھ دے نہ دے کیا اس شخص نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ بتا دو آپ حق ادا کیا. آج میں کہہ سکتا ہوں کہ حیدرآباد کو چار مینار سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور جانا جائے گا قیامت تک. قلعہ گولکنڈہ حیدرآباد کی پہچان ہے. مکہ مسجد ہے. سکندرآباد کٹا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج حیدرآباد کی پہچان بیرسٹر اسد الدین اویسی وہ اویسی برادران ہے. کیا آپ اس سے انکار کریں گے؟ آپ کے تو کئی بھائی رشتے دار سعودی میں ہیں خلیج میں ہیں دبئی میں ہیں عمان میں ہے مسقط میں ہے. آپ جا کر کہتے ہیں کسی ہندوستانی سے کہ میں حیدرآباد سے آیا ہوں تو کیا وہ بے اختیار نہیں بولتا کون سا حیدرآباد؟ اس حیدرآباد سے جا کے اویسی برادران بولتا ہے یا نہیں بولتا؟
क्या हमने कभी आपको शर्मिंदा नहीं किया? हमने हमारे हर अमल हर काम के जरिए आपको फखर महसूस करवाया, आपके गर्दन को झुकाया नहीं, फखर से उठाया। चाहे वो जेल मिल जाए या फिर कुछ हो जाए, हम हक बयानी में कभी मुंह नहीं मोड़े। कई मर्तबा जेलों को गए, मुसीबत उठाए, लेकिन हमने हक का दामन नहीं छोड़ा। मुसीबतें आई, तकलीफ में था, जख्म कच्चा, लेकिन फिर भी जेल में था, लेकिन हक का दामन हमने नहीं छोड़ा। और आज ओवैसी नाम को सारे हिंदुस्तान में जाना वो पहचाना जाता है। तो ये क्यों मुमकिन हुआ? इसलिए कि अल्लाह राजी है और आपकी दुआएं, आपका एतमाद, आपका इत्तेहाद हमारे साथ है। अगर मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से, और आप और हम कुछ हैं तो जमात की वजह से। जमात और मरकजियत एक ऐसी चीज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ में इशारा करवाते हैं, कहे मुसलमानों ऐसी जमात से वाबस्ता हो जाओ जिस जमात से ज्यादा तेरात के मुसलमान वाबस्ता हो। अगर तुम ऐसी जमात से वाबस्ता हो जाओगे तो अल्लाह का रास्ता हाथ तुम्हारी हिफाजत करेगा, और जमात से बालिज भर की भी दूरी अख्तियार करोगे तो तुम शैतान के साथी हो जाओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शरीफ है। आज मजलिस काम कर रही है और काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ रही है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे, इस इमारत को जल्द अज जल्द तकमील करवा दे, और इस इमारत में मासूम नौजहानों को न सिर्फ तालीम बल्कि अव्वल दर्जे की तालीम मुहैया कराने की इस्तेदात व काबिलियत को सलाहियत अता फरमाए। और यह इमारत 43,000 स्क्वायर फीट की है। कितनी? 43,000। 26 क्लासरूम्स हैं, 3 लैब्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जॉलॉजी के, 6 वोकेशनल ट्रेनिंग के बड़े बड़े हॉल्स हैं, जहां पे स्विंग, जहां पे कार्चो, जहां पे मेजी डिजाइनिंग, जहां पे कंप्यूटर के क्लासेस, जहां पे स्पोकन इंग्लिश और दूसरे वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, और ऊपर जो कैनोपी जो झोपड़ी की तरह है वहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी वो कुतुबखाना आएगा, ताकि बच्चे वहां पे कुतुबखाने में लाइब्रेरी के तालीम के जरिए इल्म हासिल कर सके। ये स्कूल मुकम्मल फ्री रहेगा, हम किसी से भी एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये स्कूलों की मयार को देखकर एक रईस, एक मालदार आदमी भी, इंसान भी अपने बच्चों को हमारे स्कूल में शरीक करवाना चाहता है। आज लोगों ने मुझसे कहा, अकबर साहब इतना अच्छा स्कूल क्यों, ग्रेनाइट क्यों? फ्री स्कूल बोले तो लोग देखे कि एक टीन का ढालिया होता है, शेड होता है, या तो एक छत होता है, ना दीवार ना दरवाजे। नहीं, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं और मेरे हलके का गरीब भी कल को मेरे स्कूल में पढ़कर ये चीज को बयान करने में शर्मिंदगी महसूस न करे, और वो ये बोले कि मैं एक गरीब के स्कूल से, फ्री स्कूल से आया था, मेरा स्कूल कॉरपोरेट स्कूल से भी अच्छा होगा, ताकि मेरा गरीब बच्चा ये कहे कि तुम्हारा कॉरपोरेट बेकार है मेरे ओवरसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सामने। गरीब ये ना समझे कि मैं गरीब हूं इसलिए ऐसा बिठा दिए, गरीब ये ना समझे कि मैं गरीब हूं इसलिए मेरी क्लासरूम अच्छी नहीं, गरीब ये ना समझे कि मैं गरीब हूं इसलिए नीचे बिठा के पढ़ा रहे। नहीं, कॉरपोरेट स्कूल में वो बेंचेस पर नहीं बिठाते, वैसे उससे शानदार बेंचेस पे अकबर ओवैसी अपने गरीब भाइयों के बच्चों को बिठाकर पढ़ाता है, दुनिया देखेगी। और आज भी शानदार स्कूल है हमारे, ऐसे ही ये भी स्कूल होगा, और इंशाल्लाह इस साल करीब 1300 नए दाखिले होने वाले हैं। बल्लागुड़े में 400, फूलबाग में 100, बाबा नगर में 100, फिर नशेमन नगर में 300, फिर दार्जिलिंग स्कूल में 400, 100 अंबरपेट में, फिर 100 हाफिज बाबा नगर में, ये सारे। तो आज ये काम है,
महाना 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया सिर्फ तनख्वाहों में जाते हैं, तनख्वाह में। तनख्वाह के अलावा अब और एक खर्चा आ गया, और वो खर्चा क्या है? वो खर्चा ये है कि मैं एक मर्तबा नशेमन नगर के स्कूल में गया था, बच्चे दोपहर में खाना खा रहे थे, अपने डब्बे खोलकर मैंने सबसे कहा कि खोलो देखना है क्या खा रहे हो। जब देखा मैंने तो कोई सूखी रोटी खा रहा है, तो कोई उतरा हुआ सालन खा रहा है, कोई उतरा हुआ दालचा है, तो किसी के पास उतरे हुए चावल है, तो किसी के पास मिर्ची है, किसी के पास भजिया है, किसी के पास कोई छोटा सा ऐसा है। बहरहाल वो देखकर आंखों में पानी आने लगा कि उतरा हुआ सड़ा हुआ पुराना है, लेकिन हमारे बच्चे खा रहे हैं। लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा है कि वो नहीं खा रहा था। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटे आप भी खोलो अपना टिफिन। वो नहीं खोला, मजबूर किया तो नहीं खोला, फिर मजबूर किया तो जारो खता रोने लगा, और रोते रोते अपना डब्बा खोला, और खोलते ही उसमें कुछ भी नहीं था। तो मासूम ने कहा, अकबर भाई मेरे वालिद बावर्ची है, 8 दिन से बीमार है और काम पर नहीं गए, 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, इसलिए मेरे टिफिन में कुछ नहीं है। उस चीज को देखकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू, और दिल में ख्याल आया कि पढ़ा तो रहा हूं, अल्लाह मुझे कुछ ऐसा दे दे कि कुछ खिला भी सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मवेशी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जितने भी बच्चे हैं, 13,000 बच्चों को हफ्ते में 2 दिन अंडा देता हूं मैं उबाल कर, और उनको खजूर देता हूं, उनको मौज भी खिला। आप बहुत से लोग हैं, दौलतमंद हैं, उनसे कहूंगा कि आओ ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को देखो, और जब भी देखने को आओगे तो कुछ मेवा और कुछ अंडे लाकर उन गरीबों को दे दो। ये मेरा स्कूल नहीं है, ये सिर्फ मेरा स्कूल नहीं है, यह हैदराबाद के मुसलमानों की अमानत है, आपकी अमानत है। इसकी बुलंदी मेरे इरादों की बुलंदी नहीं, हम सबके इरादों की बुलंदी है, हम सबका जुनून है, हम सबका इत्तेहाद है, हम सबका जज्बा है, तो इन इमारतों में खड़ा हुआ नजर आ रहा। इसकी इबादत आपकी जिम्मेदारी। बहरहाल बहुत सी बातें हैं और भी होते रहेंगी, आपसे यही कहूंगा कि वक्त की नजाकत को समझिए, दोस्त दुश्मन को पहचानिए, और अपने हक के लिए मजलिस जो लड़ाई लड़ रही है, इसमें मजलिस का तावुन कीजिए, साथ दीजिए, और हमारे हाथों को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन न सिर्फ कामयाब व कामरान होगी, बल्कि मजलिस ये जो काम आज पुराने शहर में कर रही है, इस काम को दीगर हलकों में भी ले जाएगी, और दीगर हलकों से अजला को भी ले जाएगी। मैंने निजामाबाद में भी जमीन खरीदी है, इंशाअल्लाह वहां पर भी बनाऊंगा स्कूल और कॉलेज और दवाखाना इंशाअल्लाह ताला। औरंगाबाद में भी ली है, मालेगांव नांदेड़ में भी, इंशाअल्लाह वहां पर भी करेंगे। अल्लाह जो भी देगा, जितना भी देगा, उसमें से मेरी औलाद के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, जो भी लगेगा तो इस कुछ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस काम को कबूल करे, इस काम में कामयाबी अता फरमाए, और हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।